गाइस हम लोग एक्चुअली पोर्ट सिटी सूडान, जो पोर्ट सूडान है असल में, उसको देख रहे हैं। एंड वहाँ के इन खूबसूरत नज़ारों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सब लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि सब इतनी सारी जगह ट्रैवल कर सकें। सो एटलीस्ट हमारे चैनल के थ्रू आप लोग ऐसे अननोन प्लेस, जो कि बहुत फेमस नहीं है इस वर्ल्ड में और ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वह सब आप लोगों तक पहुँचे। ओके, पानी थोड़ा मुझे देख के ज़्यादा एक्साइटेड हो गया लग रहा। आई एम जस्ट जोकिंग। एक्चुअली 7 लहरों में से एक लहर जो हमेशा तेज और ऊंची आती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी पानी के नज़दीक आप जाएं, याद रखिए कि जो 7वीं लहर है वो हमेशा ऊंची और तेज भी आएगी, जो आपको खींच भी सकती है पानी से। पर इसके बीच में बहुत सारे मजे हम कर सकते हैं। सो गाइस, पोर्ट सूडान का जो हार्बर है नाइट में ऐसा दिखता है। ये काफ़ी लाइटेड प्लेस है, लोग यहाँ शाम को कॉफ़ी पीने आते हैं, फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हैं, लाइक वहाँ पे लोग खेल ही रहे हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। नाइट में यहाँ बहुत हसीन वेदर रहता है, गर्मियों में नहीं रहता है, प्लीज़ है, ये ठंडों का मौसम है। और ये देखिए हार्बर में लाइट्स ऐसे चालू है, यहाँ पे शॉप्स हैं, लोग पीछे बैठे हुए हैं। We'll be right back.
गाइस, सो अब हम आए हैं यहाँ पे सूडान में, पोर्ट सूडान एरिया में फ़िश खाने। बेसिकली ये पोर्ट सूडान जो है फ़िश के लिए फेमस है, और ये एक लोकल फूड रेस्टोरेंट है। नॉर्मली ये अच्छी होटलों में तो सभी जाते हैं। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि जो लोकल वेंडर्स हैं अपन उनको सपोर्ट करेंगे। केवल इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट में ऐसा पर्पस नहीं है कि देखिए फाइव स्टार कैटेगरी का फूड तो नहीं मिलेगा, पर हाँ लोकल फूड की भी एक अलग पहचान होती है, और वो उस जिस जगह भी हम विज़िट करते हैं वहाँ पे उसकी जगह की संस्कृति के बारे में बताते हैं। सो ये जगह फेमस है यहाँ के लोकल फ़िश के लिए। सो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग इस वीडियो में उस जगह को देखें। बहुत ही सिंपल रॉ प्लेस है, एंड हम यहाँ पे कुछ लोकल फिश खाएंगे। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हें क्या बोलते हैं? हैंडसम। तुम मुझे बुरा कहते हो, मतलब दुनिया ही नहीं देखी अभी तक तुमने। सर्दी का फायदा तो है। क्या फायदा है हमें भी बता दे। गर्मी नहीं लगती। ओके मगन।